कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिक्षा की पूरी टीम की तरफ से। हम कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी और ये तैयारी आपको दिखेंगे हमारे एप्लीकेशन में भी। तो यदि आप YouTube पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप जो है एडिशनल मटेरियल चाहते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हम बात कर रहे थे पूर्व प्रश्न पत्रों की, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है भैया, और यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले ही बहुत सारे प्रश्न जो कि पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इन पर बात कर ली है। इन पर बात करते करते हम पहुँचे थे यहाँ, और अब जो है आज हमारा प्रश्न क्या है, देखिए, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बता देते हैं कि प्रकाश का जो स्रोत होता है वह स्लिट जो है भाई पर्दे से जो दूरी है प्रकाश स्रोत की, तो स्लिट पर्दे से जो प्रकाश स्रोत की जो दूरी है यहाँ पर जो है वो सीमित दूरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या होता है कि यह असीमित दूरी होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला अंतर हो गया। अब इसके बाद में जो है हम और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको हम ऋजु कोण विवर्तन भी बोल सकते हैं, ये हमारा ऋजु कोण विवर्तन भी हो सकता है। ये जो है जबकि एकल स्लिट जो है विवर्तन होता है, एकल स्लिट विवर्तन होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की हुई है, और आपको वो वीडियो जो है हमारे ही चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आप जो है सर्च करेंगे विवर्तन तो आपको जो है वो वीडियो दिख जाएगा, आप वो डिटेल से देखें। अभी तो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2020 में। हमारा अगला प्रश्न क्या है चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कहता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए। जब हम जो है दो स्लिटों से जो है तरंगे जो है जो एक वर्णी प्रकाश की तरंगे होती हैं जो कलाबद्ध होती हैं उनको पास कराते हैं, तो फिर जो है हमको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ पर जो है हमको प्रकाश का जो है व्यतिकरण दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जो है अब क्या होगा कि यदि इसमें से एक को बंद कर दिया जाए तो फिर यह व्यतिकरण होने की बजाय विवर्तन बन जाएगा। हमको अभी भी जो है फ्रिंजेस नज़र आएंगी, लेकिन पहले जो है जहां पर हमको एक बराबर फ्रिंजेस जिनमें जो है तीव्रता एक जैसी थी वो सब नज़र आता था, उसकी बजाय जो है हमको अब इस प्रकार का भाई इस व्यतिकरण की बजाय विवर्तन होने लगेगा, तो अब जो है हमको इस प्रकार से फ्रिंजेस नज़र आएंगी जो कि व्यतिकरण की बजाय विवर्तन की बजाय व्यतिकरण का स्वरूप होंगी। 2011 में यह पूछा गया था प्रश्न, और ये जो है उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, समान ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर क्या होता है। सबसे पहले आपसे समझिए कि जो है ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर बस इतना है कि जो सामान्य प्रकाश होता है या ये जो है अध्रुवित प्रकाश होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो कंपन होता है वह प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत हर एक दिशा में हो रहा होता है। मतलब यदि आप मान लें कि प्रकाश बाहर से अंदर की ओर जा रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर कंपन का जो है संभावित दिशा वो पूरा 360 डिग्री इस तल में कहीं पर भी जो है चुंबकीय क्षेत्र का कंपन हमें दिखाई दे सकता है, और ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन जब भी इन्हें पोलराइडर से जो है गुजारा जाता है ऐसी स्थिति में प्रकाश की जो दिशा है उसके लंबवत सिर्फ एक ही दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र का कंपन दिखाई देता है, और ऐसे प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो अब क्षेत्र के कंपन की दिशा क्या होती है समतल भाई, अध्रुवित प्रकाश में क्या होगा, अध्रुवित प्रकाश में जो है सभी दिशाओं में कंपन संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी दिशाओं में, जबकि यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर एक ही दिशा में कंपन हमें दिखाई देगा। उसके बाद में पोलराइडर से गुजरने पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई यहाँ पर जो है एक बार आप पोलराइडर से गुजारेंगे तो इसके बाद जो तीव्रता दिखाई देती है वह एक बार तो कम हो गई, लेकिन अब जो है वो आप कैसे भी पोलराइड को व्यवस्थित कर लें वहाँ पर जो है तीव्रता में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो प्रकाश का कंपन हो रहा है यानी विद्युत क्षेत्र का कंपन हो रहा है वो एक निश्चित दिशा में ही है, तो यदि आप इसी तरीके से जो है पोलराइड रखे रहेंगे, भाई कहाँ चला गया, ये
ये। अब यदि जो है आप इसी तरीके से पोलराइड रखे रहेंगे तब तो आपको जो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई देगी, लेकिन आप अपना पोलराइड अगर घुमाते जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी। तो पोलराइड से गुजरने पर तीव्रता यहाँ पर क्या होता है, अप्रभावित रहती है, अप्रभावित रहती है, जबकि यहाँ पर जो है क्या होती है, घुमाने पर बदलती है, ठीक है, बदलती है। अब अगली बात यह है कि जो अध्रुवित प्रकाश है उसका स्रोत क्या है, सभी सामान्य मतलब सभी प्राकृतिक स्रोत जो है क्या होते हैं, सभी प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं, वो जो है अध्रुवित प्रकाश होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्रुवित प्रकाश जो है केवल पोलराइड से होकर मिलती है, पोलराइड, राइड और क्रिस्टल, तो इन चीजों से ही होकर जो है हमको ध्रुवित प्रकाश दिखाई देता है। तो ये रहे थे इसके अंतर, 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है। हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, हमारा अगला प्रश्न बोलता है प्रकाश का व्यतिकरण क्या है और इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में जो है जब हम ये डिस्कस कर रहे थे तो देखा था कि जब दो किरणें जो है एक दूसरे, दो तरंगे एक दूसरे के साथ में मिलती हैं और किसी तरीके से यदि यह कलाबद्ध हों तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है हमको परिणाम स्वरूप एक नई किरण प्राप्त होती है जिसके जो है जिसके लिए अब यहाँ पर जो है इसकी आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। इसकी आवश्यक शर्तें हैं पहला कि प्रकाश का स्रोत कलाबद्ध होना चाहिए, दोनों प्रकाश का स्रोत, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है प्रकाश का स्रोत कलाबद्ध और एक वर्णी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये प्रश्न तो पहले भी देखा हुआ है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझ सकते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, ये हम लोगों ने डिटेल से देखा है। संपोषी व्यतिकरण का जो है शर्त क्या है भैया, R बराबर A धन B होता है और ऐसी स्थिति में जो है जो पाथ डिफरेंस होता है यानी कि पथांतर होता है वो जो है n लैम्डा होना चाहिए। उसके बाद में जो है हम लोगों ने ये थोड़ा दिया तो क्या था, ये था संपोषी, ठीक है, याद रखना है इसको अच्छी तरीके से, और दूसरा था विनाशी और यहाँ पर हो जाएगा R बराबर A माइनस B और यहाँ पर पथांतर यानी कि पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बटा दो और यहाँ पर 2n-1। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, कलाबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। हम लोगों ने पारमाणविक व्याख्या देखी है, कलाबद्ध स्रोत जो है प्रकाश के एक ही ऊर्जा से जो है निचले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण निकलने वाले प्रकाश हैं। इनका जो है आवृत्ति एक समान होती है और इनकी जो है बीच में जो कलांतर होता है वह हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। क्या प्रकाश के दो स्रोत स्वतंत्र व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं, तो दो स्वतंत्र स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि वो कलांतर कला संबद्ध नहीं है। आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये ही देख लीजिए, एक ही स्रोत से आने वाले प्रकाश को यदि हम जो है दो स्रोतों में बदल देंगे तो इससे निकलने वाला प्रकाश जो है हमको कलाबद्ध प्रकाश स्रोत जैसा मिलेगा। यही बस जो है नई बात है, 2005 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगली बात क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर दे दीजिए। चलिए, व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है, जब दो कलाबद्ध प्रकाश स्रोत किसी एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं तो नई प्रकाश किरणों का जो है एक पैटर्न दिखाई देता है उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन क्या है, किनारे पर से मुड़ने वाली प्रकाश की घटना के कारण जो हमें पैटर्न दिखाई देता है उसे हम व्यतिकरण कहते हैं। स्लिटों की संख्या कितनी होती है, व्यतिकरण के लिए स्लिटों की संख्या दो होती है जबकि विवर्तन एक ही स्लिट में संभव है। उसके बाद में दीप्त फ्रिंज के लिए तरंग दैर्ध्य कैसा होना चाहिए, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए तरंग दैर्ध्य होना चाहिए पथ पार्ट डिफरेंस PD इज इक्वल टू एन लेमडा, ये इसकी कंडीशन है। जबकि यहाँ पर जो है पार्ट डिफरेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है पार्ट डिफरेंस के लिए 2n-1λ/2, ये जो है दीप्त फ्रिंजों के लिए जो है यहाँ पर आवश्यक शर्त है। इसके बाद में फ्रिंज में तीव्रता में एक रूपता, यहाँ पर व्यतिकरण में फ्रिंज में तीव्रता एक रूप होती है जबकि विवर्तन में तीव्रता क्रमशः घटती जाती है, मतलब एक रूप नहीं होती है। क्या फ्रिंज की चौड़ाई में एक रूपता होती है, यस, व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाइयाँ एक समान होती है जबकि विवर्तन में केंद्रीय फ्रिंज बहुत चौड़ा होता है, तो यहाँ पर एक समान नहीं होती है। 2000
16 में, 7 में और 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है। हमारे दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आप इसके बारे में अच्छी तैयारी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। कई बार हम लोगों ने बताया 2003-2005 का प्रश्न है, आवश्यक शर्त कला संबंध प्रकाश स्रोत होने चाहिए और उनका एकवर्णी प्रकाश होना चाहिए। क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षा आसान होता है। देखिए, प्रकाश तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह बहुत छोटा होता है, मतलब नैनोमीटर माइक्रोमीटर इस तरीके से भी जो है हम लोगों को यहाँ पर तरंग दैर्ध्य दिखाई देता है, जबकि जबकि ध्वनि तरंगे जो हैं उनका तरंग दैर्ध्य जो है बड़ा होता है। अब इस स्थिति में क्या होता है कि इसके रास्ते में आने वाले जो रुकावटें हैं या जो है व्यवधान हैं वो भी ध्वनि तरंगों के लिए आसान और प्रकाश तरंगों के लिए आने वाले व्यवधान बहुत बारीक होने चाहिए। इसीलिए यंग के जो यंग का जो द्विस्लिट प्रमेय है, प्रयोग है, इसमें जो है इनके बीच में जो हम स्लिट बनाते हैं यानी कि दोनों पट्टों के बीच में जो है हम जो छेद बनाते हैं उसको बहुत ही बारीक बनाना पड़ता है, तभी जाके जो है हमको मतलब अच्छा जो है फ्रिंज पैटर्न जो है दिखाई देता है। तो ये बात हम लोगों ने समझी। अगला प्रश्न है, समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल से आप क्या समझते हैं। भाई देखो, ये है प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से जा रही है, इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ऊपर से नीचे हो रही है। अब जिस तल में जो है कंपन हो रहा है यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र में जो है दोलन हो रहा है, उस समतल को जो है हम प्रकाश का कंपन तल बोलेंगे। और इस तल के लंबवत जो है, यदि हम एक तल की कल्पना करें जिसमें से जो है मतलब जिसके लंबवत यह दोलन चल रहा है, तो उसे हम ध्रुवण तल कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर आने वाली परपेंडिकुलर एक दूसरे के लंबवत आने वाले तल हैं, जो दोनों के दोनों और किस पर लंबवत होते हैं, प्रकाश के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये कंपन तल हुआ जिस तल में जो है चुंबकीय क्षेत्र का जो है कंपन हो रहा है, और ये ध्रुवण तल हुआ जिसके लंबवत जो है यहाँ पर कंपन हो रहा है। ठीक है, 2005 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रकाश के व्यतिकरण को द्विस्लिट प्रयोग में प्रकाश की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के लिए शर्तें ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बाद में इस बारे में भी बात की थी। यहाँ पर जो है सूत्र होता है आई आर बराबर आई वन धन आई टू धन दो गुणा वर्गमूल आई वन आई टू कॉस फाइव। अब यहाँ पर यदि इन दोनों का कोण का मान क्या होगा, इन दोनों के कोण का मान जो है बीच के कोण का मान यानी कि ये फाइव जो है जो कि पाथ डिफरेंस है, पथांतर है, इसका मान यदि 0 डिग्री होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यदि यह 180 अंश होगा तो ये दोनों घट जाएंगे। इस प्रकार से हमें अलग अलग तीव्रताएं प्राप्त होती हैं। दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए सैद्धांतिक रूप से संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। संपोषी व्यतिकरण यहाँ पर जो है आर बराबर ए धन बी होता है, या फिर पथांतर जो है पी डी का मान जो है वो n लैम्डा होता है। विनाशी व्यतिकरण यहाँ पर r बराबर a ऋण b होता है, और यहाँ पर पथांतर जो है वो कितना होता है, लैम्डा बटा दो 2n-1। और इस प्रकार से जो है हमको संपोषी या विनाशी व्यतिकरण दिखाई देता है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, हम लोगों ने उत्तर दे दिया है। दो तरंगे जिनका आयाम a1 तथा a2 है कोणीय आवृत्ति के है अध्यारोपित होती हैं, संपोषी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता और विशेष परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। 2021 का प्रश्न है और आपको आसानी से यहाँ पर 3 अंक मिल सकते हैं। अगली बात, जब जो है हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हमारे पास में एक और रिक्वायरमेंट बचती है, और वो है कि हम यंग के द्विस्लिट प्रयोग का जो है पूरा डेरिवेशन सीख जाएँ, और उसी तरीके से प्रकाश का जो है व्यतिकरण और विवर्तन, तो विवर्तन प्रकाश के विवर्तन के बारे में भी जो है हमारा एक डेरिवेशन है। ये दोनों चीज़ें जो है आपको आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आज का हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।